हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल को देख रहे हैं, सभी को मैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं कि उनका जीवन प्रसन्न रहे। बच्चों, आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑन ऑफ एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप एट द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों क्या कर रहा है कि जमीन के एक मुख्य बिंदु पर 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की सबसे ऊपरी पर मीनार का तल और उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री अंश का कोण बनता है बच्चों। तो उसकी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, इसमें पहले तो हम इसका फिगर बना लेंगे। तो सोल्यूशन है इसका बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि पहले हम जमीन दिखा देंगे और यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर और इसके जो शिखर का ये जो कोण जो बन रहा है बच्चों, तो दो चीज़ का बन रहा है। तो एक तो यहाँ पे यही जो है हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊंचाई से ऊपर से एक जो है हमारा 45 डिग्री का, और इसको जब बढ़ा देते हैं बच्चों तो यही हमारा क्या है मीनार है। तो मीनार हो जाएगा बच्चों ये, तो इसका हम नाम दे देंगे बच्चों ए बी सी और ए डी। और ये मीनार के ये शिखर से, ये मीनार है तो मीनार के शिखर से ये कोण बन रहा है। तो ये बच्चों हमारा कोण हो जाएगा, ये पूरा कोण, तो ये वाला कोण तो हमारा होगा 45 अंश का बच्चों होगा, लेकिन ये वाला जो कोण होगा इधर वाला, अब यहाँ पे बच्चों जो कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये बच्चों हमारा कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा कोण जो होगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे दिखा देंगे इसको, यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, ये 45 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल बन गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा हम जब लेंगे तो पहले बच्चे हम लेंगे पहले 45 डिग्री में पूरे में, इसके बाद से 60 डिग्री में हम दिखाएंगे। तो बच्चों देखें इसको क्या करना है। तो पहले बच्चों हम लेंगे इंट्राई एंगल। पहले हम आपको ये बता दें कि ये मीनार क्या है, डीसी जो है हमारी मीनार है, ये मीनार की हमारी ऊंचाई है। तो एसी की मीनार की ऊंचाई यही पूछ रहा है बच्चों, यह पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। तो पहले हम बच्चों इंट्राई एंगल लेंगे बी ए सी में, इंट्राई एंगल बी ए सी में, बी ए सी में लेंगे बच्चों इंट्राई एंगल बी ए सी में। तो इसके लिए बच्चों हमारा यदि परपेंडिकुलर दिया है और बेस नहीं दिया है तो बच्चों इसके किसका रेशियो होता है, तो टेन 45 डिग्री बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, बेस करें परपेंडिकुलर अपान बेस होगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, बेस क्या है बच्चों परपेंडिकुलर क्या है बी सी और बेस क्या है बच्चों ए बी है। तो ए बी की वैल्यू है बच्चों क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा बच्चों बी सी की वैल्यू है 20 है और ए बी की वैल्यू हमें दी नहीं गई है बच्चों, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान ए बी। तो ए बी हो जाएगा बच्चों, ए बी की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों तो ए बी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो ये 20 मीटर ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू। अब बच्चों हमको क्या करना होगा, तो ए बी की वैल्यू 20 आ गई बच्चों। तो अब इसमें हम इस यहाँ पे लिख ले रहे हैं ऊपर ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, 20 आ गया।
अब बच्चों हम इसको हम दोबारा फिर जो है दूसरा जो है इसका निकालेंगे सेकेंड पार्ट। बच्चों इसको हम अब कह रहा है कि इन ट्राई, अब बच्चों अब हम बड़े अब ये पूरे वाले एंगल में लेंगे तो इसमें लेंगे तो बी ए सी लिया पहले, अब बी ए डी लेंगे तो बी ए डी में इन ट्राई एंगल बी ए डी में लेंगे तो इन ट्राई एंगल बी ए डी में लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हम टेन सिक्सटी डिग्री लेना पड़ेगा। तो टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर अपान बेस होगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर क्या होगा तो बी डी होगा, तो बी डी हो जाएगा तो बी डी अपान ए बी होगा और बी डी की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस एच हो जाएगा, 20 प्लस एच क्योंकि बी सी की वैल्यू हमारी होगी बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी होगा, तो बी सी जो है 20 है और 20 प्लस एच हो जाएगा और ए बी की वैल्यू बच्चों हमें मालूम है तो ए बी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों हम लिखेंगे 10 30 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होता है और ये हो जाएगा 20 प्लस एच अपान 20 होगा। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 20 प्लस एच बराबर इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि अब एच की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो एच की वैल्यू फाइंड कर दें तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 20 अंडर रूट 3 और माइनस 20 हो जाएगा बच्चों, 20 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 20 जब कॉमन ले लेंगे बच्चों क्या होगा तो अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा हमें फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द टावर ही पूछ रहा है तो बच्चों हमारी यही जो है टावर की ऊंचाई जो होगी 20 अंडर रूट 6 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का आपको मैंने क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको मेरे क्वेश्चन में यदि एक भी स्टेप समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस बताएं और बच्चों आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है जो भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको प्रत्येक दिन आपको यही बताता हूँ समझाता हूँ बच्चों कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और बच्चों मैं आप लोगों से मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल को देख रहे हैं आप लोगों से मेरा यही सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप एक कॉपी बना लें बच्चों और उसको फार्मूला सभी जितने भी आपको मैथमेटिक्स के फार्मूले दिए गए बच्चों उसको आप राइट करें और सुबह के समय आप उसको अच्छी तरह से उसको याद करें और एक बार देखें कि हमको याद हो गया है कि नहीं याद हो गया है, उसको एक बार रिविज़न करें, उसको हमेशा सुबह में एक बार जरूर रिवीजन करें मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि फार्मूला यदि आपको लर्न नहीं होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन आप जो है फार्मूले पे विशेष ध्यान दें और अच्छी तरह से उसको याद करें और बच्चों यदि आपको कोई भी मैथमेटिक्स में यदि आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैंने आपको अपना नंबर भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है बच्चों तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करें और नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं बच्चों। तो बच्चों आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी मेरे ऑडियंस को सभी को मैं और हम रात्रि शुभ रात्रि के मंगल में शुभ रात्रि आपका जीवन प्रसन्न हो, सभी को शुभ रात्रि, खुश रहें आप लोग प्रसन्न रहें, मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वॉच टू वीडियो।